Let's solve this sum. Hello friends. So sum of square of two consecutive number, now you know, जो एक के बाद एक आते हैं, और odd यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, they're odd numbers. Positive, that's positive, right? So now if I say एक odd number 3 है, तो उसके बाद वाला consecutive यानी तुरंत बाद वाला odd number क्या होगा? 5. कैसे आया? 3 + 2 करके. तो इसीलिए जैसे मैं बोलते एक number x है, तो उसके बाद वाला number x plus 2 करके मिल जाएगा. तो here हम suppose कर लेते हैं कि एक odd number x है, बाद वाला हो जाएगा x plus 2. अभी sum of the squares of two consecutive odd numbers, two consecutive odd numbers का square करेंगे तो हमें 290 मिल रहा है, ठीक है? तो हम x का भी square करेंगे, x plus 2 का भी square करेंगे, तो ये हो जाएगा x square. इसका अगर हम expansion करेंगे x plus 2 whole square, तो उसका formula है a square plus 2ab plus b square. a की जगह लिख देंगे x, a की जगह x, b की जगह 2 plus b की जगह 2. सो ये हो जाएगा x square plus 4x, 2 to the 4 plus 4. तो ये हमारा हो जाएगा x square plus 4x plus 4. सो it's 4x over here, x square plus 4x plus 4. सो it will be 2x square plus 4x minus plus 4x plus 4 minus 290, right? So you need to correct this thing. Now 2x square plus 4x, और ये 290 में से 4 जाएगा तो 286, और bigger number sign, तो ये हो जाएगा minus 286. Now इसमें से 2 common ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x square, ये हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x minus 143. Now हमें condition किस तरह से बनानी है friends? तो multiply करो तो मुझे चाहिए 143, multiply करो तो मुझे चाहिए 143, and प्लस करो तो मुझे चाहिए 2. इसमें साइन माइनस है, इसमें प्लस है, ठीक है? तो अब ये इसके पार्ट्स तो यही हुए, तो इसमें से ही मुझे मिल जाएगा 13 11 13 11. अभी कोई एक को माइनस साइन देना है, इधर प्लस है तो मैं स्मॉलर नंबर को माइनस साइन दे रहा हूं, ठीक है? क्योंकि कंपलसरी इसे तो प्लस देना पड़ेगा. तो हमारे पार्टीशंस हो गए प्लस 13x माइनस 11x, ठीक है? और ये करेक्शन फ्रेंड्स आपको अपनी नोटबुक में करना है. सो दिस इज x square plus 2x minus 143. हमारे जो partitions हो गए वो हो गए x square plus 13 minus 11. ये कैसे हैं? I think you understood. अभी x common ले लेंगे, x plus 13 minus 11 common ले लेंगे, x plus 13 दोनों के बराबर 0 लिख दिया, ठीक है? अभी दोनों के बराबर 0 लिखेंगे तो minus 11 ये side आएगा, तो plus 11 ये 13. तो minus में possible नहीं है, हमारा answer हो गया 11. अभी 11 का और उसके बाद वाला नंबर, नेक्स्ट नंबर 13, उसका आप स्क्वायर करोगे तो आपको रिक्वायर्ड कंडीशन यानी कि टोटल 290 मिल जाएगा. 11 का स्क्वायर होगा 121, ये हो जाएगा 169. सो 0 290 हो गया. सो व्हाट ऑल वी डिड इज करेक्ट.